हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक एनजे में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं कि आप जो है स्टॉक मार्केट से पैसा कैसा कमाए, और वो ये नहीं 1,000-2,000 रुपए आपने कमा लिया, ऐसा नहीं, बहुत सारा मतलब कि आप 20,000-30,000-50,000-1,00,000 रुपए तक भी जो है कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इन्वेस्टमेंट जो है कम है तो आप जो है कैसे कमाए, है ना। मान लो आपकी 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट है, आप उसको 20,000 कैसे बनाए। आज की इस वीडियो में हम जो इस टॉपिक के बारे में जो है बात करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। तो अब मैं बात करता हूँ स्टॉक मार्केट से पैसा जो कैसे कमा सकते हैं। अगर आप बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है मेरी तरह कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, 1-2 साल, 5 साल, 10 साल, इतनी मतलब इतनी ज्यादा पेशेंस नहीं है, तो आपके लिए है इंट्राडे ट्रेडिंग। अगर आपने अभी तक उसका नाम नहीं सुना तो मैं दो लाइन में आपको उसको डिस्क्राइब भी कर देता हूँ। इंट्राडे ट्रेडिंग वो ट्रेडिंग होती है जिसमें आप जो है एक ही दिन में शेयर खरीद सकते हैं और उसी दिन आपको जो वाला शेयर भी बेचना होता है, चाहे आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, आपको वो वाला शेयर जो है बेचना पड़ेगा, ठीक है, सेम डे ही बेचना पड़ेगा। ये हमारी इंट्राडे ट्रेडिंग होती है। अब इंट्राडे ट्रेडिंग से पैसे कैसे कमाएं, तो इंट्राडे ट्रेडिंग का एक सबसे बड़ा जो बेनिफिट जो मुझे लगता है वो ये है कि अगर आपने 10,000 इन्वेस्ट कर रखे हैं और आपको पता है कि आज मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, या फिर एक स्पेसिफिक स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये आपको पता है, आपने एनालाइज कर लिया है इतना कि आपको पता चल गया कि हाँ ये वाला स्टॉक ऊपर जाएगा, तो आप ये पैसे लगा सकते हैं। बेनिफिट क्या है, आप 10,000 जो आपके पास है कैश, मतलब जो भी आपने डिपॉजिट कर रखे हैं, उन 10,000 के स्टॉक्स के बदले आप जो 50,000 के स्टॉक्स खरीद सकते हैं। मतलब जितना भी आपके पास अमाउंट है आप उसको इंटू 5 कर लीजिए तो आप जो इंट्राडे में ट्रेडिंग कर सकते हैं। मतलब 10,000 रुपये हैं आपके पास, 10,000 तो है ही है, लेकिन जो इंट्राडे क्या करता है आपको 5 गुना करके जो है आपका अमाउंट दे देता है। लेकिन ब्रोकरेज होते हैं वो, बेसिकली ब्रोकरेज क्या करते हैं, आपको जो है लोन पे अमाउंट दे देते हैं एक दिन के लिए, आप ऐसे जो है समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया कि इंट्राडे का सबसे ज्यादा जो बेनिफिट क्या है। इसमें आप एक और चीज कर सकते हैं, आपको अगर आपको लगता है मार्केट नीचे जा रही है तो भी आप इसमें इन्वेस्ट करके जो है आप पहले उसमें सेल कीजिए, बाद में आप उसको बाय कीजिए, इस तरीके से जो कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ कि आपको मार्केट से पैसे कमाना कैसे है ना। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि 9:15 पे जो है इंट्राडे वाली मार्केट ओपन होती है, ठीक है। 9:15 पे हमारी इंट्राडे वाली मार्केट ओपन होती है। बंदे क्या करते हैं 9:15 पे ही जो देखने लग जाते हैं, पहले के 15-20 मिनट तो आपको आराम से देखना है, आराम से, क्योंकि पहले के 15 मिनट जो मार्केट इतनी ज्यादा फ्लक्चुएट होती है आप सोच भी नहीं सकते। अगर 1% पे मार्केट ओपन हो रही है तो आप ये भी सोच सकते हैं कि -1% पे भी जा सकती है, तो आपका जो है यहीं पे लॉस हो जाता है और काफी सारे बंदे जो है यहीं पे अपनी जो सारी मनी जो है गवा देते हैं। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अब मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ कि आपको किस तरीके से पैसे कमाने हैं यहाँ पे। तो जो मैं करता हूँ वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसे कि आप मान लीजिए निफ्टी बैंक के स्टॉक्स जो है ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, निफ्टी बैंक के स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, आपने देखा कि येस बैंक आजकल जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, येस बैंक, आपने देखा कि इस वाले बैंक के स्टॉक्स जो ऊपर जा रहे हैं, आपने इस पे इन्वेस्ट कर दिया, निफ्टी बैंक आपको दिख गया कि 0.50% जो ऊपर जा रहा है, 1% आपका जो निफ्टी बैंक ऊपर है, लेकिन आप देख रहे हो कि एक बैंक के स्टॉक जो है अभी तक नीचे है, 10-11 बजे आप देख रहे हो कि एक बैंक के स्टॉक्स जो है अभी तक नीचे है, सारे बैंकों के स्टॉक्स 2% प्लस में है, लेकिन एक बैंक आप देख रहे हो SBI, मान लो SBI के स्टॉक्स जो है अभी उसमें 1% भी नहीं हुआ है, बाकी सारे बैंक 2.5%, 3% पे पहुंच गए हैं, उसमें 1% भी नहीं हुआ, तो वहां पे आपको इन्वेस्ट करना है। वहां पे आपको क्या करना है, इन्वेस्ट करना है वहां पे, क्यों करना है, जब निफ्टी का बैंक ही पूरा ऊपर जा रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि SBI का स्टॉक्स भी ऊपर जाए, 95% पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। तो मैंने आपको अब बता दें कि इसकी ट्रिक क्या है। तो ऐसे ही आप और स्टॉक्स में ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए IT मार्केट जो है ऊपर जाएगी, आपको पता है एक स्टॉक जो है IT मार्केट के ऊपर भी चला गया, अब सेम स्टॉक जो है आपको देखना है दूसरी कंपनी का, आपको
उस पर नजर बनाए रखनी है, क्योंकि अगर वो वाली आईटी मार्केट ऊपर जाएगी तो पूरी आईटी सेक्टर ऊपर जा सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसी कई सारी कंडीशंस ये भी होते हैं कि एक कंपनी का कुछ ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है, एक कंपनी को कम होता है, लेकिन प्रॉफिट तो होता ही है, समझ रहे हो बात। तो ऐसे ही होता है हमारे फार्मा सेक्टर में, अगर फार्मा ऊपर जा रहा है तो हो सकता है कोई कंपनी के ज्यादा प्लस हो जाए, कोई कंपनी के ज्यादा प्लस ना हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक फार्मा ऊपर जा रहा है, एक फार्मा नीचे जा रहा है, ऐसे होने के चांसेस जो बहुत ज्यादा कम होते हैं। तो आपको इस तरीके से जो है एनालाइज करना है, आप कम से कम 10 या 10:30 बजे जो है बाय या सेल जो भी आपको करना है वो कीजिए, 15-20 मिनट आधा घंटा आपको जो है स्टॉक्स को देखिए कि मार्केट आज किस मूड में है, मतलब ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, क्या सीन है मार्केट का, डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं करना है। तो उम्मीद है आप जो समझ गए होंगे मेरी ट्रिक जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। और आज की वाली वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं आज आपको बस यही बताने आया था कि आप किस तरीके से जो है ट्रिक्स लगा के जो है स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। तो मिलता हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।